नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एक ऑनलाइन पॉइंट में। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम के लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको डेली चैप्टर वाइज कंप्यूटर के चैप्टर ला रहा हूँ, साथ में आपको MCQ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हम आपके कंप्यूटर जो सिलेबस जारी किया गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम के लिए, उसके हम 8वें चैप्टर में पहुँच चुके हैं, जिनमें आज हम पढ़ेंगे फार्मूला फंक्शन एंड चार्ट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फार्मूला फंक्शन एंड चार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम आपको बताने वाले हैं। साथ में इसका हमने हिंदी और अंग्रेजी का PDF भी क्रिएट कर दिया है, आप लोग बहुत ही आसानी समझ सकते हैं कि कौन सा फंक्शन क्या वर्क करता है, कौन सा फार्मूला क्या वर्क करता है। ठीक, ये सारी जानकारी दे देंगे। और अगर फ्रेंड्स इससे पहले अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली क्लास नहीं ली है तो आप लोग जरूर जाकर क्लास को ले लीजिए। सभी क्लास की PDF अवेलेबल है, सभी MCQ का PDF अवेलेबल है। PDF को डाउनलोड कीजिए, अच्छे से पढ़िए, वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कर लीजिएगा, उसके बाद ही PDF को डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि आपको कैसे पढ़ना है सारी बातें वहां पर ही समझाई गई है, वीडियो में ही आपको ये देखने को मिलेगा। 10 मिनट का आपका काम है फ्रेंड्स, आप वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, उसके बाद आधे घंटे में आप चैप्टर को पढ़ लेंगे, सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए छोटा सा वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए और बताएंगे क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, उसी हिसाब से आप लोग पढ़िएगा। साथ में जो इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है यानी कि MCQ, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, एक मैं आपको चैप्टर का लाता हूँ, उसके बाद आपको MCQ लाता हूँ, तो इसका नेक्स्ट होगा जो MCQ होगा, एक्सेल का MCQ लेकर आएंगे, उसके बाद फिर आपका प्रेजेंटेशन है, फिर इंटरनेट है, उसके बाद आपका सिलेबस यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा। साथ में आपको आज हिंदी की भी बुक दे देंगे, जो लोग हिंदी की बुक पढ़ना चाहते हैं 372 पेज की है, फ्री बुक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, वैसे कि आपका एग्जाम इंग्लिश में ही होगा, लेकिन जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। आप लोग ये मत कहिएगा कि अंग्रेजी में एग्जाम होगा और आप हमें हिंदी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोगों के कमेंट की वजह से मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोगों के रिक्वेस्ट के वजह से मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक, तो चलिए आगे का वीडियो बढ़ाते हैं और आपको ले चलते हैं PDF पर। जैसे फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं, ये मैं आपके ऑफिशियल बुक पे आया हुआ हूँ और क्या क्या चीज़ें आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो यूज फार्मूला टू गेट द डिजायर रिजल्ट, और उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं इंसर्ट एंड एडिट पिक्चर फ्रॉम ए फाइल, और यूज फंक्शंस क्रिएट अ वेरियस चार्ट और ड्रा ए ग्राफिक यूजिंग क्लिप आर्ट, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स। और हम आपको बता दें ये बुक भी बहुत ही अच्छी बुक है और यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई है कैसे क्या आपको यूज करना है। फार्मूला बार क्या है आप लोग देख पा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग फार्मूला ऐड करते हैं, ये FX लिख कर जो आता है फार्मूला बार होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर भी देख लीजिएगा, सारी बातें बताई गई है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर सम का फार्मूला क्रिएट किया गया है और ये फार्मूला बार में शो कर रहा है। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स, मैं आपको हिंदी की PDF ले चलता हूँ, उससे पहले हम आपको बता दें ये बुक भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, इसको हमने आपको बहुत ही पहले प्रोवाइड कर दिया है। DO प्लेलिस्ट फुल प्रिपरेशन 2009 नाम के आप सर्च करेंगे यूट्यूब में तो आपको ये मिल जाएगा, मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर अब तक मैंने जितनी भी क्लासेस ली हैं, जितनी भी बुक प्रोवाइड की है सारी वहाँ पर है, तो आप लोग इस बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो। जैसे फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं हमारे द्वारा जो PDF क्रिएट किया गया है उस पर मैं आ चुका हूँ। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है हैंडिंग ऑपरेटर इन फार्मूला को कैसे हैंडिंग करते हैं, तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स, सबसे पहले कोई भी अगर फार्मूला स्टार्ट होता है वो इक्वल साइंस से ही स्टार्ट होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया कि ऑपरेटर के किसी भी प्रकार की गणनाओं में मुख्य भूमिका निभाता है ऑपरेटर, और किसी भी नियत परिणाम के हासिल करने के लिए ऑपरेट हम देख पा रहे हैं ऑपरेट वेरिएबल जिनकी वैल्यू का गणना कोई ऑपरेशन होता है या ऑपरेशन करता है, ये ऑपरेटर कई तरह के होते हैं के अपने गुण और व्यवहार होते हैं। ठीक, अब उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर आगे बताया गया कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर होते हैं उसमें सबसे पहले आपको चलिए बता देते हैं कितने टाइप का ऑपरेटर होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका कैलकुलेशन ऑपरेटर होता है, फिर अर्थमेटिक होता है, फिर कंपेरिजन होता है, उसके बाद टेस्ट कनेक्शन होता है, उसके बाद रिफ्रेंस होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग एक बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, आपको इतने डिटेल में यहाँ पर नहीं पढ़ना है। ठीक, आपको केवल फार्मूला फंक्शंस पढ़ना है जो कि आपके बुक में बताया गया है, डिटेल में आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ये अवेलेबल की बुक से स्क्रीन शॉट लिया गया है, स्कैन किया गया, इसलिए वहां पर डिटेल में बताया गया, तो आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, जल्दी जल्दी आपको एग्जाम की तैयारी करना है। तो यहां पर केवल जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से यहां पर प्लस साइन दिया गया है, फिर यहां पर एडिशन बताया गया और 3+3 यानी कि जो ऐड करने का फार्मूला होता है, फिर यहां पर माइनस का होता है, फिर एस्ट्रिक होता है, फिर फॉरवर्ड प्लस स्लैश होता है, प्रोटेक्ट साइन होता है, फिर यहां पर कैरेट होता है। ठीक, ये आपके अर्थमेटिक के अंदर आते हैं, फिर आपका कंपेरिजन ऑपरेटर हुआ और यहां पर डिफिनेशन भी दी गई है साथ में कि किसी भी ऑपरेटर के प्रकार के गणितीय गतिविधि में दो वैल्यू की आपस में तुलना करना कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, तो फिलहाल आपके बुक में शायद कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं दिया गया, आप लोग देख लीजिएगा। टेस्ट कनेक्शन ऑपरेटर दिया गया है, ठीक, तो टेस्ट कनेक्शन ऑपरेटर भी आपके बुक में नहीं दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेटर आर्डर आप लोग देख पा रहे हैं, फिर यहाँ पर ऑपरेटर प्रेफरेंस दिया गया है, प्रोसीड्यूस कैसे करेंगे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई है। फिर आगे बढ़ते हैं यूज ऑफ पैरेंथेसिस, तो मैं आपको बता दें फ्रेंड्स आप कैसे यूज करना है यहाँ पर बताया गया है, ठीक। आप लोग इसको जरूर देखते रहिएगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। और फंक्शंस, अब यहाँ पर आ जाते हैं फंक्शंस, आपका फार्मूला ख़त्म हुआ, अब फंक्शंस के अंदर आते हैं। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, यहाँ पर दिया गया है फंक्शन कितने टाइप्स के अवेलेबल हैं इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो फंक्शन लॉजिकल, टेस्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप, रेफरेंस और मैथ हैं। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर टिक्नोमेट्री, स्टैटिक, स्टैटिकल इंजीनियरिंग और कब इंफॉर्मेशन, इतने सारे फंक्शंस आपको पढ़ना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है चलिए हम आपको बताते हैं क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर भी बताया गया है कि इक्वल साइन एंड ओनली आफ्टर यू कैन यूज फंक्शंस और फार्मूलाज। अब आगे बढ़ते हैं और आप लोग देख पा रहे हैं यूजिंग फंक्शन किस तरह से आपको यूज करना है, यहाँ पर सारे आपको मेथड्स बताए गए हैं, सारे स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी गई है। और आप लोग देख पा रहे हैं सम, काउंट, एवरेज, मैक्स और मोर फंक्शंस बटन है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है सम है, काउंट है, एवरेज है, मैक्स है, यही सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक। तो मैथमेटिकल फंक्शन में आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर एबीएस का दिया गया है, उसके बाद सम का दिया गया है, तो सम इंपॉर्टेंट है और आप लोग सम को जरूर पढ़िएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं फिर मोड का दिया गया है, ठीक, मोड है। उसके बाद यहाँ पर पावर है, तो पावर, उसके बाद राउंड है, राउंड है, फैक्ट है, फैक्ट जरूर देखिएगा यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको छोड़ दीजिएगा, ऐसी है, इसका कोई भी मतलब नहीं है, आपके बुक में नहीं दिया गया, अगर होगा तो पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं यहाँ पर लॉजिकल फंक्शन में, ठीक, तो लॉजिकल फंक्शंस भी आपके बुक में नहीं दिया गया है, इसको भी आप छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है और आपको फिर वही बताएंगे। स्टैटिकल फंक्शंस आप लोगों को देख पा रहे हैं दे दिया गया है यहाँ पर, काउंट, तो ये काउंट वाला आप जरूर पढ़िएगा, ये काउंट होता है कितने आपने क्या काउंटिंग की है, ये सेलेक्ट करके हमको बताता है। उसके बाद यहाँ पर मैक्स, जैसे कि बहुत सारी वैल्यूज़ होती है उनमें सबसे मैक्सिमम, सबसे अधिक वैल्यू क्या है, ये आपको दिखाता है, पूरा चार्ट आपने क्रिएट किया उसमें मैक्स में सबसे अधिक वैल्यू क्या है ये बताता है, ठीक। फिर मिनिमम, सबसे कम वैल्यू के बारे में ये बताता है, ये फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद टेस्ट फंक्शन आ जाता है, ठीक, तो टेस्ट फंक्शन भी आपके उसमें इतना ज़्यादा नहीं दिया गया है, ठीक। और ये लोअर है, प्रॉपर है, रिपीट है, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, अपर है, तो अपर और लोअर जरूर देख लीजिएगा, ठीक, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वैसे तो आपके बुक में नहीं दिया गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, डेट एंड टाइम फंक्शंस आप लोग देख पा रहे हैं दे दिया गया है यहाँ पर, सारी चीज़ें बता दी गई है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है क्या पता है, चार्ट, आपके चार्ट डिटेल में बताया गया, देख पा रहे हैं फार्मूला एडिटिंग, कैसे फार्मूला का एडिटिंग करते हैं यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। और फार्मूला बार यहाँ पर आपका स्थित किया गया है, यहाँ पर फार्मूला से जाकर आप इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ देख पा रहे हैं ढेर सारे फार्मूला के नाम दिए गए हैं, ठीक, इस तरह से आप लोग मेथड से आप लोग फार्मूला कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ें आप देख पा रहे हैं कैसे रिमूविंग एरोज, सो फार्मूला, एरर क्लिकिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, किस तरह से एरर, अगर मिस्टेक करते हैं फार्मूला तो किस तरह से एरर क्लिकिंग होगी, नेम मैनेजर, तो ये ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं चार्ट के बारे में। अब आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका दिया चार्ट एंड ग्राफिक्स, तो चार्ट वर्कशीट में डाटा को प्रदर्शित करने का नया ग्राफिकल टूल है और चार्ट के माध्यम से किसी भी डाटा रिकॉर्ड में बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर ऑफिस में प्रेजेंटेशन के तैयार पर डाटा रिकॉर्ड प्रदर्शित करते हैं, इसलिए जिसे समझना एवं समझाना तुलनात्मक आसान होता है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि चार्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चार्ट वाला चैप्टर आप जरूर पढ़िएगा, इसलिए यहाँ पर चार्ट को रखे हैं, कितने टाइप का चार्ट है और हिंदी अंग्रेजी दोनों रखे हैं, ठीक, तो यहाँ पर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि कॉलम चार्ट हुआ, जो कि ये कॉलम चार्ट आप लोग देख पा रहे हैं, किसी भी वर्कशीट पर रो या कॉलम के डाटा को एक कॉलम चार्ट के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, तो ये साथ में आपको स्क्रीन भी दिखाई गई है, इसको देख लीजिएगा। फिर लाइन चार्ट है आपका, फिर पाई चार्ट है, फिर बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, फिर स्कैटर चार्ट है, उसके बाद स्टॉक चार्ट है, तो चार्ट आप जरूर पढ़िएगा, जितने भी चार्ट यहाँ पर दिए गए हैं, सरफेस चार्ट है और यहाँ पर देख पा रहे हैं डॉगनेट चार्ट है, बबल चार्ट है, फिर रेडर चार्ट है, और ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा आप कैसे यहाँ पर यूज किया जाता है, मूविंग द चार्ट, चार्ट को कैसे मूव किया जाता है, ठीक, मॉडिफाई चार्ट, चार्ट को कैसे मॉडिफाई किया जाता है, चेंजिंग साइज एंड पोजीशन, इनकी साइज और पोजीशन कैसे चेंज करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर बताइए, बेकायदे स्क्रीन पर आप लोगों को ओपन करके दिखाया गया है, आप लोग कंप्यूटर सिस्टम आपके पास है तो यहाँ पर आप प्रैक्टिकल करके भी इसको चेक कर सकते हैं। और चेंजिंग चार्ट स्टाइल की आप कैसे चेंजिंग करेंगे, ये भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई, आपको बहुत सारे चार्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं, किस तरह से आप लोग चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। चेंजिंग द डाटा सोर्स यहाँ पर बताया गया, फिर मॉडिफाई द एक्सेस, और उसके आगे देखते हैं यहाँ पर देख पा रहे दिया गया प्राइमरी वर्टिकल एक्सेस, तो सारी चीजें यहां पर आपको दिखाई गई है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका चार्ट है और चार्ट किस तरह से तैयार किया जाता है, आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा और प्रैक्टिकल फिर कर लीजिएगा, हो सकता है आपको
1 आवर्स लगेंगे, 1 घंटा लगभग लगेंगे ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने में। ठीक, 1 घंटे में सारी चीज़ें आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। टोटली 30 पेज का हमने PDF समाप्त कर दिया है। वीडियो के 1 आवर्स बाद ये PDF आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब कैसे क्या यूज करना है सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बताई गई है। अब चलिए हम आपको आगे बताते हैं, आपके ऑफिशियल बुक पर ले चलते हैं और कुछ चीज़ें जो छूटी हुई हैं उनको भी हम आपको कनेक्टिविटी एंड इंपोर्टिंग डाटा थ्रॉट टेस्ट फाइल ये देख पा रहे हैं कैसे क्या सारे बातें यहाँ पर बताई गई है। चलिए आपको आगे ले चलते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं इंसर्टिंग एंड एडिटिंग पिक्चर्स आपको पिछले क्लास में ही हमने बता दिया था, चैप्टर प्रोवाइड कर दिया था, वहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। ड्रा ग्राफिक यूजिंग क्लिप आर्ट देख लेते हैं। फार्मूला एंड फंक्शंस आपको हमने बता ही दिया है। यहाँ पर भी देख पा रहे हैं आपको बताया गया है मेस्ट विगेन विद द इक्वल टू साइन, इक्वल से ही सारे फार्मूला यहाँ पर स्टार्ट होते हैं, इन्होंने भी बताया है। फार्मूला बार आप लोग देख पा रहे हैं, ये फार्मूला बार है आप लोगों का। ठीक, और आगे हम आपको बताते हैं। अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये जो सीट तैयार की गई है, सीट के बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे कि अभी ऐड करने के लिए यहाँ सम के बारे में बताया गया। ठीक, और यहाँ पर एक मार्कशीट का जैसे कि तैयार किया गया, जैसे कि हम परसेंटेज निकालते हैं, टोटल निकालते हैं, जो टोटल ऐड निकालते हैं यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे अशोक शर्मा का दिया गया है, फिजिक्स में 99 मार्क है, केमिस्ट्री में 99 है, मैथ में 100 है, इंग्लिश में 100 है। अब इनका टोटल निकालना है तो कैसे करेंगे हम लोग, तो देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया B3, तो B3 में सेलेक्ट करेंगे। B यानी कि B होगा कॉलम, ठीक, B नंबर के कॉलम में, और 3 जो हो गया रो, आप लोग देख पा रहे हैं ये 3 नंबर का रो है, तो इसलिए इसको B3, फिर प्लस C3, C कॉलम, और ये 3 आप लोग देख पा रहे हैं रो, इस तरह से D3 E3 जितने को ऐड करना है यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर क्या है कि टाइप करेंगे, उसके बाद फिर आपको इंटर या इक्वल बटन प्रेस कर देंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका टोटल यहाँ पर ऐड करके दिखा देगा। अब हम आपको बता दें यहाँ पर बताया गया है कि जस्ट टाइप इतना एंड इट विल रिटर्न सम ऑफ मार्क्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश। अब आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जब यहाँ पर मार्क्स दिखा दिया गया 398 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर इन्होंने ड्रैग सिस्टम बताया। ड्रैग सिस्टम क्या है, जैसे कि मैं आपको बताया था कि जब आपका माउस इस पोजीशन में हो जाता है और इस पोजीशन में जब आप माउस को नीचे ऐसे ड्रैग करते हुए लाते हैं, तो अगर आपने एक को निकाला यहाँ पर, तो जो सारे स्टूडेंट का ऐड है वो ऑटो सब के अकॉर्डिंग सब का एक साथ निकल कर आ जाएगा। ड्रैग करते चले जाएंगे सभी का यहाँ पर आ जाएगा, वो ऑटो सब के अकॉर्डिंग होता है। कॉपिंग का फार्मूला आप लोग देख पा रहे हैं कैसे करना है, यहाँ पर फार्मूला को कॉपिंग कर दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जो हमने आपको पहले बता दिया। ठीक, ऑटो सब फीचर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं ऑटो सब का फीचर यहाँ पर दिया गया है, और इस तरह से अब आपको बता दें ये सारी चीज़ें आप लोग जरूर देख लीजिएगा, यहाँ पर फिगर वाइज अच्छे से बताया गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अब फार्मूला बार आप लोग देख पा रहे हैं किससे कहते हैं, तो ये फार्मूला बार होता है, अगर आपने अभी तक नहीं जानते होंगे तो ये फार्मूला बार होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, और एवरेज फंक्शंस यहाँ पर बताए गए हैं और सभी चीज़ों के यहाँ पर कैसे यूज किया जाता है बताया गया। मैक्स फंक्शंस, मैक्स फंक्शंस आप लोग देख पा रहे हैं अभी इसमें सबसे अधिक वैल्यू कौन सी है वो सर्च कर कर ये बता देगा। ठीक, तो आप लोग नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आंसर भी इसका दिया होगा, इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं मैक्स फंक्शन कैसे यूज किया जाता है, मिनिमाइज फंक्शन कैसे यूज किया जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको जैसे कि वो वहाँ पर जो दो और फंक्शंस मिले थे आपको, लॉजिकल फंक्शंस और वो जो और भी फंक्शंस थे उनको नहीं पढ़ना है, केवल आपको अर्थमेटिकल फंक्शंस ही पढ़ना है वहाँ पर, और मिनिमाइज मैक्सिमम ये सारी चीज़ें पढ़ना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना उस PDF में जो दिया गया था। ठीक, यहाँ पर जो फंक्शंस दिए गए आप लोग देख पा रहे हैं इन्हीं फंक्शंस को आपको पढ़ना है। ठीक, और सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़ना। फिर उसके बाद आपका चार्ट आ जाता है, चार्ट के बारे में हमने आपको अच्छे से बता ही दिया है। ठीक, कैसे क्या यूज करते हैं, चार्ट की सारी डिटेल्स हमने दे दी है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं और भी क्या चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई, कैसे यहाँ देख पा रहे हैं कैसे यूज किया जाता है, इन्होंने फिगर वाइज समझाया भी है, अच्छे से बताया है। आप लोग भी इस बुक को देखिएगा, बहुत ही बढ़िया बुक है ये भी। और आगे बढ़ते हैं, और देख पा रहे हैं यहाँ पर जब आ जाएंगे तो मूविंग द चार्ट ये भी हमने आपको बता दिया, उस PDF में अवेलेबल है, आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, फिर आपको हम आपको बता दें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए कैसे इंसर्ट करते हैं एडिटिंग क्लिप आर्ट। जी हाँ, आपको ये बता रहा था, वैसे पिछले चैप्टर में ये भी मिल जाएगा आपको, अगर आप पिछले वाली क्लास लिए होंगे तो वहाँ पर दिया गया है। इंसर्ट टैब में जाएंगे आप लोग, ठीक, उसके बाद यहाँ क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट पर क्लिक कर देंगे, देन सेलेक्ट अ कलेक्शन एंड प्रोसेस गो टू बटन, उसके बाद क्लिक ऑन द क्लिप फ्रॉम द कलेक्शन, सो वहाँ पर जाएंगे तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है ये इंसर्ट टैब है। ठीक, इसको जरूर याद रखिएगा, हमने आपको बताया कौन से टैब के अंदर कौन से मीनू कौन से कमांड आते हैं, ये चीज़ें आप रखिएगा। यहाँ पर क्लिप आर्ट दिया गया, क्लिप आर्ट पर जब सेलेक्ट कर देंगे, ठीक, तो उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का आप लोगों का आ जाएगा क्लिप आर्ट,
और आप लोग देख पा रहे हैं फिर इसका किस तरह से यूज किया जाता है, यहाँ पे बहुत सारे क्लिप आर्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ऐड कर दिया गया पिक्चर्स को किस तरह से, और ये सारी चीज़ें बताई गई है, इंसर्टिंग एंड एडिटिंग पिक्चर्स फ्रॉम ए फाइल। तो कैसे इंसर्ट करेंगे, फिर से आप इंसर्ट टाइप में जाएंगे, उसके बाद पिक्चर में जाएंगे। ठीक, तो क्लिप आर्ट ऐड करना था, ये पिक्चर ऐड करना यहाँ पर बताया गया है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं ट्रू फॉल्स वगैरह के, इसे भी देख लीजिएगा। फिर आप नेक्स्ट चैप्टर आता है क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, तो आप लोग उस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वीडियो के 1 आवर्स बाद मिल जाएगा टेलीग्राम पर, बहुत जल्द उस पीडीएफ को अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।